26 में हम देख चुके हैं, पहले मिस्टर ली ने अपने दिल की बात दानदान को बता दी थी, आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 27 से पहले पार्ट 26 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 27 में हम देखते हैं नंदन रोते हुए उसे हग कर लेती है, और फिर मिस्टर ले भी। मिस्टर पाक और एना ने पूरा दिन साथ में स्पेंड किया था, तो दोनों खुश थे। रात में मिस्टर पाक अपने घर जाने लगे थे, तो एना उसका हाथ पकड़ लेती है, क्या तुम आज रात मेरे साथ रुक जाओ। मॉर्निंग में एना की आईज खुलती हैं, तो मिस्टर पाक वहाँ नहीं थे, बट मिस्टर पाक वहाँ ब्रेकफास्ट बना के रख के गया था, और साथ में थैंक यू वाला नोट था। मिस्टर ले सो रहा था, तो उसे याद आता है कि रात उसने टल्ली होके दानदान को अपने दिल की बात बता दी थी, तो उठ के कहता है ये मैंने क्या कर दिया, और छुप छुप के देखता है दानदान वहाँ नहीं है, तो जल्दी से अपने ऑफिस में जाकर फाइल्स उठाने लगा था। पर दानदान ऑफिस में आती है, तो पूछता है तुम सुबह सुबह क्या करने आई हो। वो कहती है तुमने जो रात कहा था मैंने उसके बारे में सोचा। वो कहता है मैंने रात क्या कहा था, हाँ मैंने कल रात ज्यादा ही चढ़ा ली थी ना, और शायद उल्टा सीधा बक दिया होगा, वो मेरी टल्ली होने की गलती हो गई थी, तो उस बारे में ज्यादा मत सोचना, और मीटिंग का बहाना बोल के भाग जाता है। नंदन कहती है क्या मिस्टर ली को कुछ याद नहीं है, उसने रात क्या कहा था। एना मिस्टर पाक को मिलने बुलाती है और कहती है प्लीज मेरे साथ हो जाओ, तुम ही मेरी अभी तक जिंदा रहने की वजह हो, प्लीज मेरे साथ फौरन चलो। मिस्टर पाक हैरान, ये तुम क्या बोल रही हो, माना कि मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी वो गलत थी, पर मेरी एक फैमिली है, सॉरी हमारे बीच जो हुआ, और चले जाते हैं। दानदान मिस्टर ली को फोन करती है, तुम लंच टाइम पे फ्री हो ना, तो चाय पीते हुए मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो झूठ बोल देता है कि सॉरी मैं मीटिंग में हूँ, और फोन काट देता है। पर दानदान वहीं आ जाती है, तो वो कहता है मैं जरा बाहर सांस लेने आया था। वो पूछती है क्या तुम्हें कल रात का कुछ भी याद नहीं है। वो मना करता है, तो कहती है कोई नहीं मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ, तुमने मुझे कहा था कि। वो कहता है नहीं नहीं अब बताने का क्या फायदा। दानदान कहती है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे अभी भी लाइक करते हो। वो कहता है मैंने टल्ली होकर कुछ भी बक दिया होगा, सॉरी उस पर ध्यान मत दो। वो कहती है नहीं तुम टल्ली होकर सच बोल रहे थे, मुझे भी तुम्हें एक सच बताना है, जब तुम 22 साल के थे तब तुमने कहा था कि तुम मुझे लाइक करते हो, और तुमने मुझे माउंट नेम पर मिलने बुलाया था कि अगर मैं वहां तुमसे मिलने आ गई तो तुम एंगेजमेंट तोड़ दोगे, पर मुझे लगा तुम टू टाइमर हो इसलिए मैं गई तो थी, पर तुमसे मिले बिना ही वापस आ गई, बट अब मुझे पता चल गया है कि तुम टू टाइमर नहीं हो और तुम अब भी मुझे लाइक करते हो। मिस्टर ली कहता है सॉरी पर मैंने जो भी रात कहा उसे भूल जाओ, और मीटिंग का बोलकर चला जाता है। सब लंच कर रहे थे, सीचेंग बीन्स अलग निकाल के रख रहा था, तो सीचोंग भी बीन्स नहीं खा रहा था। सारा कहती है सीचन तुम अपने भाई के सामने ऐसे मत करो वरना वो भी तुम्हारी कॉपी करेगा। मिस वेंग कहती है हाँ बच्चों तुम्हें मिस सारा की बात माननी चाहिए, वो तुम्हारी मॉम बनने वाली है। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि सारा भी हमारे साथ बैठ के खाना खा रही है ना जेनी। जेनी गुस्से से खड़ी होती है, सारा कहती है जेनी तुम्हें ऐसे रूड बिहेव नहीं करना चाहिए। जेनी कहती है तुम कुछ ज्यादा ही नहीं टांग अड़ा रही, और गुस्से से चली जाती है। मिस वेंग कहती है ये लड़की पूरी बिगड़ी हुई है। सीचन और सीचोंग एक दूसरे को इशारे से कुछ कह रहे थे। नेक्स्ट सीन में दोनों सारा के रूम के बाहर बनाना की छिकल बिछा देते हैं और छुप छुप के देख रहे थे। सारा जैसे रूम से बाहर आती है बनाना की छिकलों पर पैर फिसलने से बुड़क जाती है, तो दोनों भाग जाते हैं। सारा के चिल्लाने की आवाज सुन मिस वेंग और मेड भागे आते हैं। मेड सारा को उठाती है। मिस वेंग कहती है ये कचरा किसने बिखेरा, जरूर सीचन ने जानबूझ के किया होगा। मेड कहती है नहीं नहीं क्या पता बच्चों से खेलते टाइम छिलके गिर गए हो। मिस वेंग कहती है नहीं सीचन ने ही फेंके हैं, अभी उसे बताती हूँ। सारा कहती है नहीं रहने दो मैं उसे सबक सिखाऊंगी, और जाती है। मिस वेंग कहती है क्या ये बच्चे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते सारा उनकी मॉम बने,
इधर दोनों डरे हुए थे। सीचंग कहता है, सीचेन जब मैंने मिस सारा को गिरते हुए देखा मैं बहुत डर गया था। सीचन कहता है, मैं भी भाई, मुझे भी डर लग रहा है, आगे से हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सीचंग कहता है, हाँ हम ऐसा नहीं करेंगे। तभी सारा आती है तो सीचंग डरता हुआ सीचन को हकड़ लेता है। सारा कहती है, सीचन बनाना की छिकल बिखेरना तेरा ही कांड है ना, तो चल मेरे साथ। दोनों डर रहे थे, सीचन जाता है। सीचंग कहता है, अब मैं क्या करूं। सारा सीचंग को अंडरग्राउंड स्टोरेज रूम में ले आती है और कहती है, अबे तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या तू मुझसे इतनी नफरत करता है कि तू मुझे बनाना के छिकलों पे फिसला के मारना चाहता है। सीचन कहता है, नहीं मैं तो बस तुम्हें घर से भगाना चाहता था। सारा कहती है, पर तू सीचंग के साथ मिलके ऐसा कैसे कर सकता है, ये क्राइम है, क्या मैं पुलिस बुला के तुझे जेल भिजवाऊं। सीचन रोता है पर सारा उस पर जोर जोर से चिल्ला रही थी कि तेरे पीछे भूत पड़ेंगे और तू नर्क में सड़ेगा। सीचंग जो वहीं खड़ा सुन रहा था भाग क्या कहता है, प्लीज सीचन के साथ ऐसा मत करो, सॉरी। सीचन कहता है, कोई बात नहीं सीचंग। सारा कहती है, सीचंग तू यहाँ क्यों आया, सीचन ने गलती की है तो उसे सजा जरूर मिलेगी, तो यही सड़। सीचंग चल मेरे साथ। सीचंग कहता है, नहीं मैं भी यही रुकूंगा, सीचन को अकेले यहाँ बहुत डर लगेगा। सारा कहती है, ठीक है तो तू भी यही रह, और दोनों को स्टोरेज रूम में बंद कर जाती है। सीचंग कहता है, सीचन मुझे डर लग रहा है, कहीं भूत आ गया तो, यहाँ कितना डरावना है। सीचन कहता है, मिस सारा प्लीज हमारी हेल्प करो। दोनों कहते हैं, सॉरी हम ऐसा कभी दोबारा नहीं करेंगे। सारा गेट के बाहर खड़ी रो रही थी और फिर गेट खोल के अंदर आती है। क्या तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास है, सीचन सॉरी बोलता है। सीचंग कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। वो कहती है, अगर ऐसा दोबारा किया तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। दोनों रोते हुए हाँ करते हैं। रियोन ने काम की वजह से लंच भी नहीं किया था तो अब ठूस ठूस के ड्रमस्टिक खा रही थी। देवम कहता है, तुम्हें मेरी वजह से इतना सारा काम करना पड़ रहा है कि तुम सही से खा भी नहीं पाती, क्या तुम मुझसे इतना लव करती हो। वो कहती है, और नहीं तो क्या, कितनी बार पूछोगे, सच कहूं तो तुम्हारे करीब रह कर मुझे अच्छा फील होता है, मजा आ जाता है। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो। देवम ड्रमस्टिक छोड़ के रियोन की मुंडी पकड़ उसे किस करने लगा था पर मॉम उन्हें देख चिल्ला पड़ती है, तुम दोनों क्या कर रहे थे। वो कहता है, कुछ नहीं, रियोन के फेस पे ड्रमस्टिक लगी थी, बस वही छुटा रहा था। ग्रैंडमा कहती है, OMG बुढ़ापे में क्या क्या देखना पड़ रहा है। मिसू मॉम को हर महीने कुछ पैसे दे देती है ताकि मिस्टर पाक और देवम को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जूनो अपनी मॉम को मनाने की कोशिश कर रहा था पर मिसू अभी भी उससे गुस्सा थी। एना मॉम को मिलने बुलाती है और बताती है कि मैं फौरन से यहाँ कुछ महीनों के लिए बिजनेस करने आई थी पर अभी मुझे 3 महीनों में वापस जाना है। तुम्हारी बेटी दानदन भी मेरे साथ जा रही है तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर पाक भी मेरे साथ फौरन चले, मैं उन्हें जॉब दे रही हूँ। मॉम कहती है, पर पता नहीं तुम कितनी सैलरी दोगी। वो कहती है, घर और खर्चे के अलावा मैं $1,00,000 एनुअल सैलरी देने की सोच रही हूँ। मॉम तो इतने पैसे सुन हैरान और फिर मिस्टर पाक को पूछती है, एना ने तुम्हें फौरन में जॉब दी तो तुमने मना क्यों कर दिया, वो $1,00,000 दे रही है। मिस्टर पाक कहते हैं, हमने अभी रेस्टोरेंट खोला है तो मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ। वो कहती है, रेस्टोरेंट को मैं ग्रैंडमा और देवम संभाल लेंगे, तुम कम से कम वहाँ 5 साल जॉब कर लो, हम उन पैसों से नया घर लेंगे। देवम कहता है, हाँ ये बढ़िया ऑफर है, बट मिस्टर पाक जाने से मना कर चले जाते हैं। रियोन आकर कहती है, मॉम ग्रैंडमा मैं तबोकी लेके आई हूँ। मॉम तो गुस्से में थी तो देवम अपनी डार्लिंग को चुप कराता है। मिस्टर पाक एना से कहते हैं, तुमने मेरी वाइफ को जॉब का क्यों बताया जबकि मैंने मना कर दिया था ना। एना कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं रहेगी, मुझे अकेलेपन में अपनी लाइफ नहीं जीनी जबकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तुम भी करते हो ना, तो चलो मेरे साथ। मिस्टर पाक कहते हैं, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा तो प्लीज मेरी वाइफ से मत मिलना, और चले जाते हैं। मिस्टर ली कंफ्यूज था कि वो एंगेजमेंट तोड़े या नहीं क्योंकि वो एंगेजमेंट होने से खुश नहीं है और एंगेजमेंट तोड़ भी नहीं सकता। मिस्टर ली लॉयर से पूछता है, अगर तू मेरी जगह होता तो क्या करता। वो कहता है, जो चीज तुझे याद ही नहीं है उसके लिए खुद को फोर्स मत कर,
फिलहाल ये जरूरी है कि तुम अभी की सिलाई करते हो। माना कि तुम्हारी इंगेजमेंट तोड़ने पे लोग तुम्हें इरिस्पॉन्सिबल कहेंगे, पर तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो। दानदन मिस्टर ली से पूछती है, क्या तुम फिर से टल्ली हो? वो कहता है, हाँ पर मैं इस बार झूठ नहीं बोलूंगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। दानदन कहती है, मुझे अब सच का पता चल गया तो मैं तुम्हारा वेट करूंगी। और चली जाती है। रात में सीजोंग सीजन को उठा रहा था, वो पूछता है क्या हुआ, तो सीजोंग कहता है, भाई मैंने अपना बेड गीला कर दिया। सीजन हैरान, तो वो बताता है कि मुझे बहुत डरावना सपना आया था, भूत मेरे पीछे था, मैं इतना डर गया था कि मेरा बेड पर ही निकल गया, मुझे अब सोने से डर लग रहा है। सीजन कहता है, इट्स ओके भाई, रो मत। और फिर दोनों चुपके चुपके सीजोंग के बेड का गद्दा उठा के लेके जा रहे थे। दानदन कहती है, क्या हुआ बच्चों, तुम अभी तक सोए नहीं? सीजन कहता है, कुछ नहीं तुम जाओ। दानदन कहती है, इस गद्दे को कहाँ लेके जा रहे हो? वो कहता है, ये गंदा था ना तो मैं नया लेने जा रहा हूँ। वो कहती है, तो लाओ मैं रख देती हूँ। सीजोंग कहता है, नहीं, और रोने लगा था, मिस दानदन मैंने बेड गीला कर दिया। दानदन उसे हक कर कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें डरावना सपना आया होगा ना? सीजन कहता है, हाँ ये भूत वाले डरावने सपने से डर गया। मिस्टर ली पूछता है, क्या हुआ सीजोंग, तुम रो क्यों रहे हो? मिस दानदन क्या हुआ? सीजोंग रोए जा रहा था तो वो उसे हक कर लेता है। मिस्टर ली पूछता है, क्या सपना बहुत डरावना था? सीजोंग कहता है, हाँ एक भूत मेरे पीछे पड़ गया था और जैसे मैं भागा वो मुझे पकड़ के नर्क में ले गया, पर मैं इतना बड़ा हो गया, सॉरी मैंने बेड पर ही टॉयलेट कर दिया। वो कहता है, नहीं तो मैंने तो 8 साल की एज में बेड गीला कर दिया था। सीजोंग कहता है, सच में? मिस तांदन क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? वो कहती है, जब मैं 3rd क्लास में थी मेरा भी निकल गया था, तो मेरे डैड ने मुझे कई बार बेडशीट चेंज करते देख लिया। सीजोंग हंसने लगता है। मिस्टर ली कहता है, सीजोंग क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं सोना चाहते? सीजोंग कहता है, हाँ मैं अकेले सो जाऊंगा, और आंखें बंद कर सो जाता है। मिस्टर ली उसे कपड़ा उड़ाता है। फिर जब मिस्टर ली चला गया था तो सीजन अपने रूम से बाहर आता है। दानदन पूछती है, क्या हुआ सीजन, तुम बाहर क्यों आ गए? वो कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि सीजोंग ने मिस सारा की वजह से अपना बेड गीला कर दिया था। दानदन पूछती है, क्या? तो कहता है, हाँ क्योंकि मैंने और सीजोंग ने मिस सारा के रूम के बाहर बनाना के छिक्कल बिखेर दिए थे, वो फिसल के गिर गए तो गुस्से में मिस सारा ने हमें अंडरग्राउंड वाले स्टोर रूम में बंद कर दिया था और कहा था कि भूत हमारे पीछे पड़ेंगे, हमें नरक में लेके जाएंगे। उन्होंने लाइट बंद करके लॉक भी लगा दिया था। दानदन एकदम हैरान थी। और इसी के साथ पार्ट 27 का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।